पंचतंत्र, पंचतंत्र की कहानियाँ। पंचतंत्र, पंचतंत्र, पंचतंत्र की कहानियाँ। तीन काम। एक बार दो गरीब दोस्त एक सेठ के पास काम मांगने जाते हैं। कंजूस सेठ उन्हें फौरन काम पर रख लेता है और पूरे साल काम करने पर साल के अंत में दोनों को 12-12 स्वर्ण मुद्राएं देने का वचन देता है। साथ ही सेठ यह भी शर्त रखता है कि अगर उन्होंने काम ठीक से नहीं किया या किसी आदेश का पालन ठीक से नहीं किया तो उस एक गलती के बदले 4 स्वर्ण मुद्राएं वो उनकी तनख्वाह से काट लेगा। दोनों दोस्त सेठ की शर्त मान जाते हैं और पूरे साल कड़ी मेहनत करते हैं, दौड़ दौड़ कर सारे काम करते और सेठ के हर आदेश का पालन करते। इस तरह पूरा साल बीत गया। दोनों सेठ के पास 12-12 स्वर्ण मुद्राएं मांगने जाते हैं, पर सेठ बोलता है कि अभी साल का आखिरी दिन पूरा नहीं हुआ है और मुझे तुम दोनों से आज ही 3 और काम करवाने हैं। दोनों हैरान थे, पर क्या कर सकते थे। सेठ ने 3 काम बताने शुरू किए। पहला काम, छोटी सुराही में बड़ी सुराही डालकर दिखाओ। दूसरा काम, दुकान में पड़े गीले अनाज को बिना बाहर निकाले सुखाओ। तीसरा काम, मेरे सर का सही सही वजन बताओ। यह तो असंभव है, उन दोनों ने सेठ से कहा। सेठ की चालाकी काम कर गई। उसने कहा कि ठीक है तो फिर यहाँ से चले जाओ। इन 3 कामों को ना कर पाने के कारण मैं हर एक काम के लिए 4 स्वर्ण मुद्राएं काट रहा हूँ। मकार सेठ की इस धोखाधड़ी से उदास होकर दोनों दोस्त बोझिल मन से जाने लगते हैं। उन्हें रास्ते में एक चतुर पंडित मिलता है। उनके ऐसे चेहरे देखकर पंडित उनसे उनकी उदासी का कारण पूछता है और पूरी बात समझने के बाद उन्हें वापस सेठ के पास भेजता है। दोनों सेठ के पास पहुंचकर बोलते हैं, सेठ जी अभी आधा दिन बाकी है, हम आपके 3 काम कर देते हैं। सेठ हैरान था पर सोचा कि उसका क्या बिगड़ेगा। वो 3 दुकान में जाते हैं। दोनों दोस्त अपना काम शुरू कर देते हैं। वो बड़ी सुराही को तोड़ तोड़ कर उसके टुकड़े कर देते हैं और उन्हें छोटी सुराही के अंदर डाल देते हैं। सेठ मन महसूस कर रह जाता है पर कुछ कर नहीं पाता है। इसके बाद दोनों गीले अनाज को दुकान के अंदर फैला देते हैं तो सेठ बोल पड़ता है, सिर्फ फैलाने से ये कैसे सूखेगा, इसके लिए तो धूप और हवा चाहिए। सेठ मुस्कुराते हुए कहता है, देखते जाइए सेठ जी। ऐसा कहते हुए दोनों मित्र हथौड़ा उठा आगे बढ़ जाते हैं और दुकान की दीवार और छत तोड़ डालते हैं, जिससे वहाँ हवा और धूप दोनों आने लगती है। क्रोधित मित्रों को सेठ और उसके आदमी देखते रह जाते हैं पर किसी की भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं होती। अब आखिरी काम बचा होता है। दोनों मित्र तलवार लेकर सेठ के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, मालिक आपके सिर का सही सही वजन तौलने के लिए इसे धड़ से अलग करना होगा, कृपया बिना हिले स्थिर खड़े रहें। अब सेठ को समझ में आता है कि वह गरीबों का हक इस तरह से नहीं मार सकता और बिना आनाकानी के वह उन दोनों को 12-12 स्वर्ण मुद्राएं सौंप देता है। सीख, बच्चों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बेईमानी का फल हमेशा बुरा ही होता है।
पंचतंत्र पंचतंत्र।